वेलकम टू सिंधवाल क्लासेस बेटा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्रायोफाइटा के बारे में चालू किया था, और आज हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो गया, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फ्रॉम द टेरिडोफाइटा। ठीक है, जो टेरिडोफाइटा है दैट इज़ अ डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न है, ब्रायोफाइटा के बाद आते हैं। और अगर हम इवोल्यूशनरी पैटर्न की बात करें तो इवोल्यूशन के हिसाब से जो टेरिडोफाइट है आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल फॉर्म। तो दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ है, लैंड के ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रायोफाइटा थे वो लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते थे, लेकिन ये अगर हम बोलें कि दैट कम्स ऑन द लैंड फर्स्ट दैट तो दैट इज टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में जो आते हैं बेसिकली बेटा इसमें यहाँ पे भी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है और गैमेटोफिटिक यहाँ पे थैलस होता है, दोनों प्लांट बॉडी यहाँ पे भी होते हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन वी स्टार्ट फ्रॉम द बेस फ्रॉम द टेरिडोफाइटा, कि टेरिडोफाइटा का बेस कहाँ से। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट द टेरिडोफाइटा। द टर्म टेरिडोफाइटा वॉज प्रपोज बाई द हैकल। जो टर्म दिया था टेरिडोफाइटा वो किसने दिया था, हैकल ने, इन 1866। और द स्टडी ऑफ द टेरिडोफाइटा, ठीक है, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज कॉल्ड एज द टेरिडोलॉजी। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज नोन एज द टेरिडोलॉजी। और यहाँ पे एक फर्न होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वॉकिंग फर्न, और उसको क्या कहेंगे, एडिनेटम। एडिनेटम इज अ वॉकिंग फर्न। व्हाई एडिनेटम इज अ वॉकिंग फर्न, क्योंकि सपोज जब एडिनेटम ग्रो करता है, ठीक है, तो जहाँ पे भी वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो जो उसकी लीव्स हैं वो क्या बन जाती हैं, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट क्या होती हैं, जो रूट रेडिकल से ना बनकर प्लांट के किसी और पार्ट से फॉर्म होती हैं, दैट टाइप ऑफ रूट आर कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, जो आपका एडिनेटम होता है उसमें एडवेंटिशियस रूट बनती हैं, और जो एडवेंटिशियस रूट हैं वो सॉइल के कांटेक्ट में आती जाती हैं और इस तरह से ये बाइंड करते हुए सॉइल सरफेस से आगे बढ़ता रहता है। तो नाउ दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वॉकिंग फर्न। ऐसा नहीं कि ये वॉक करता है, जब ये सॉइल पे ऐसा ग्रो करता है तो जब इसकी जो लीफ है वो एडवेंटेशियस रूट बन जाती है, सॉइल के अंदर उसको होल्ड कर लेती है और फिर ये आगे की तरफ ग्रो करता है। सेल्विनिया, सेल्विनिया इज एक्वेटिक फर्न। सेल्विनिया क्या है, हमारा एक्वेटिक फर्न है, पानी में उगता है, और इसको क्या बोलते हैं, सोरो ऑफ काश्मीर। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द सोरो ऑफ काश्मीर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्वेटिक फर्न। एक्वेटिक फर्न जो बेसिकली बेटा टेरिडोफाइट्स है ना, उनको हम क्यों जानते हैं, उनको हम उनके ऑर्नामेंटल नेचर की वजह से जानते हैं। इसमें फूल नहीं लगते हैं, लेकिन इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है पत्तियों का, पेड़ों का, वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, तो लोग इसको अपने घरों में लगाते हैं, ऑर्नामेंटल है। दूसरी खास बात इसकी ये, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज हैं, दे आर द सॉइल बाइंडर, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, इसलिए ये फेमस है। और द टॉलेस्ट टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें तो टॉलेस्ट टेरिडोफाइट इज एल्सोफिया। एल्सोफिया इज अ टॉलेस्ट टेरिडोफाइट। ओके, तो दीज थिंग्स, दीज आर द पॉइंट दैट इज ऑफ बिलोंगिंग टू द टेरिडोफाइट, और दीज आर द स्पेशल पॉइंट्स, यू कैन से दैट स्पेशल पॉइंट है कि किसने दिया था, हैकल ने दिया था। स्टडी को क्या कहते हैं, टेरिडोलॉजी कहते हैं। वॉकिंग फर्न किसे कहते हैं, एडिनेटम को कहते हैं। सोरो ऑफ काश्मीर किसे कहते हैं, सेल्विनिया को कहते हैं। टॉलेस्ट टेरिडोफाइट कौन सा है, तो एल्सोफिलिया है। ओके, अब बात करते हैं डिवीजन की, क्लासेस की। तो नाउ द टेरिडोफाइट डिवाइड इनटू फोर क्लासेस। टेरिडोफाइटा को हमने फोर क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला है सिलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, तीसरा है स्फेनोप्सिडा, और चौथा है टेरोप्सिडा। ठीक है, टेरोप्सिडा, पहला जो सिलोप्सिडा है दैट इज द होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब ये होता है कि जो स्पोर्स इस पे फॉर्म होते हैं दैट आर ऑफ सेम शेप एंड साइज एंड सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द होमोस्पोरस। तो सिलोप्सिडा आर द होमोस्पोरस टाइप, और इसके जो मेंबर्स हैं ना बेटा वो बहुत सबके सब क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए।
अब ये रिपोर्टेड नहीं होता है सेलोप्सिडा. तो एग्जाम्पल्स आर द राइनिया एंड द हॉर्नियोफाइटॉन. हॉर्नियोफाइटॉन एंड राइनिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द सेलोप्सिडा और ये एक्सटिंक्ट ग्रुप है. ठीक है, अगर हम क्लास में बोले तो एक्सटिंक्ट क्लास कौन सी है हमारी, दैट इज द सेलोप्सिडा. और यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी तो रिपोर्ट होती है लेकिन गेमेटोफाइट रिपोर्ट नहीं होता है. गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुई है, ओनली स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी रिपोर्ट हुई है. नाउ हियर सेकेंड वन इज द लाइकोप्सिडा. लाइकोप्सिडा ऑल्सो नोन एज द क्लब मॉसेस और स्पाइक मॉसेस कहते हैं इन्हें. और इनकी जो लीफ होती है छोटे छोटे साइज की होती है. लीफ आर ऑफ स्मॉल साइज. ठीक है, स्मॉल साइज लीफ, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज अ माइक्रोफिलस लीफ. माइक्रोफिलस लीफ का मतलब क्या होता है, लीफ कैसी है, छोटे छोटे साइज की हैं. और ये क्या होते हैं, होमोस्पोरस भी होते हैं, हेट्रोस्पोरस भी होते हैं, यानी इनके स्पोर्स सेम साइज के भी होते हैं और डिफरेंट साइजेस के भी होते हैं, यानी डिफरेंट शेप एंड साइज के आपके स्पोर्स प्रेजेंट है. अगर होमोस्पोरस दैट इज प्रेजेंट इन द लाइकोपोडियम एंड द हेट्रोस्पोरस स्पोर्स आर द प्रेजेंट इन द सेलिजिनेला. ठीक है, सेलिजिनेला इज बिलोंग टू द लाइकोप्सिडा एंड इसमें हेट्रोस्पोरस स्पोर्स हैं और यहाँ पे जो लाइकोपोडियम है वो होमोस्पोरस है. अब ये थर्ड वाला आता है, दैट इज द स्फिनोप्सिडा. स्फिनोप्सिडा ऑल आर द होमोस्पोरस. सारे सारे कैसे हैं, होमोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस रिपोर्ट नहीं है. और एग्जाम्पल इज द इक्विसिटम. एग्जाम्पल क्या है इसका, इक्विसिटम है. इक्विसिटम के ऊपर ऐसा कोन लाइक स्ट्रक्चर भी बनता है, जैसे आपका जिम्नोस्पर्म में कोन बनता है वैसे सेलिजिनेला और एक्वासिटम के ऊपर भी कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है. जो लीफ होती है माइक्रोस्पोरोफिलस और मेगास्पोरोफिलस होती है तो उसके ऊपर स्पोर्स लगे होते हैं और कॉम्पैक्ट मास जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कोन या स्ट्रोबिलाइन कहते हैं. दैट स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द इक्विसिटम. एंड द टेरोप्सिडा जो हमारा है दैट इज द लार्जली एंड हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप है. दिस इज द लार्जली एंड हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप, यानी सबसे ज़्यादा जो इवॉल्व्ड है, सबसे ज़्यादा एडवांस फॉर्म जो है दैट इज द टेरोप्सिडा. इसमें जो टाइप ऑफ प्लांट्स आते हैं दैट आर द होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस बोथ आर बिलोंग टू इट. तो होमोस्पोरस एग्जाम्पल इज ड्रैप्टेरिस कमिनेट एंड द हेट्रोस्पोरस इज मार्शीलिया. तो दोनों के दोनों किस में आते हैं, देखो अगर हम बात करें हेट्रोस्पोरी एंड होमोस्पोरी की तो दैट आर द प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिटेट. दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिटेट. इससे हमारा इवोल्यूशन पैटर्न भी ट्रेस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा की तो टेरिडोफाइटा में कौन कौन से आ रहे हैं, सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा. तो टेरोप्सिडा इज द मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप. The example is Marshallia and Drapetaris, and Sphenopsida is Equisetum, and Lycopsida is Lycopodium and the Selaginella, and Cirrhopsida में कौन कौन से आएंगे, that is Rhynia and Horneophyta. Okay, thank you class, and from the next video we started from the basics of the Pteridophyta. The Pteridophyta में main plant body कैसी होती है, कैसा structure होता है, life cycle कैसे complete होती है. We'll discuss about it in our next video. Thank you.